गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं रिलेशन। रिलेशन के अंदर हम देख चुके हैं रिलेशन के टाइप्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आज हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं। एंटी सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिसम्मित। लेट ए बी ए सेट। ए हमारे पास में क्या है? सेट है। और एक रिलेशन आर है जो कि इस सेट ए के ऊपर क्या है? डिफाइन है। तब ये एंटी सिमेट्रिक कब होगा? लेट ए बी बिलोंग्स टू ए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए बराबर के बी। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए बराबर की बी। यहाँ पर कल मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा दिया था। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट आएगा और ए बराबर के बी आएगा। और अदर डेफिनेशन इसकी एक और होती है कि मान लीजिए हमारे पास में दोनों के दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट नंबर है। ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। इफ ए बी अगर आर को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट बी ए आर को बिलोंग नहीं करेगा। अगर हमारे पास में ए और बी क्या है? दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। ए बी अगर आर को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट बी ए आर को बिलोंग नहीं करेगा। इन दैट कंडीशन हमारा जो रिलेशन होगा वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसे हिंदी में हम प्रतिसम्मित रिलेशन भी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमने इक्विवेलेंस रिलेशन भी देखा था। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन किसी सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब आज हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। लेट ए बराबर के क्या है? जेड। हमने सेट क्या ले लिया? इंटीजर्स का समुच्चय ले लिया। देन ए आर बी इफ एंड ओनली इफ थ्री डिवाइड्स ए माइनस के बी हो। ए आर बी से क्या तात्पर्य हमारा यहाँ पर? ए बी किसको बिलोंग करेगा? आर को बिलोंग करेगा। तो हमारे पास में एग्जांपल है कि हमारे पास में समुच्चय क्या है? इंटीजर्स का समुच्चय है। और ए आर बी इफ एंड ओनली इफ थ्री किसको डिवाइड करता है? ए माइनस बी को। अब हम चेक करेंगे कि जो ये हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है अथवा नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है अथवा नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखे, हमने कल क्या देखा था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर हमने क्या लिया था? समुच्चय ए लिया था। ए हमारे पास में आज यहाँ पे क्या है? जेड है। इफ ए ए अगर आर को बिलोंग करता है, इन दैट कंडीशन ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ए माइनस के ए कितना होता है? जीरो होता है। एंड थ्री किसको डिवाइड करता है? ए माइनस के ए बराबर जीरो को डिवाइड करता है। इम्प्लाइज दैट ए ही हमारे यहाँ पे क्या होगा? आर को बिलोंग करेगा। इट मीन्स ये हमारे पास में जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। लेट ए कोमा बी कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास में? जेड से आ रहे हैं। इफ ए कोमा बी किसको बिलोंग करता है? आर को। इम्प्लाइज दैट थ्री किसको डिवाइड करेगा? ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। क्योंकि सिमेट्रिक के लिए हम लेके क्या चलते हैं कि ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए। तो ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट थ्री किसको डिवाइड कर रहा है? ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। ए और बी हमारे पास में क्या है? यहाँ पे इंटीजर है। तो ए माइनस बी भी यहाँ पे क्या होगा? इंटीजर ही होगा। अगर थ्री किसी इंटीजर को डिवाइड करता है तो थ्री उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए थ्री अगर सिक्स को डिवाइड करता है तो थ्री माइनस सिक्स को भी तो डिवाइड करेगा। इम्प्लाइज देट थ्री किसको डिवाइड करेगा? बी माइनस ए को। इम्प्लाइज देट बी आर ए। हम क्या लेके चले थे? ए बी आर को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज देट बी ए आर को बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये एंटी ट्रांजिटिव है अथवा नहीं है।
हमने उधर क्या देखा था कि 3 जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है. इम्प्लाइज दे 3 किसको डिवाइड करेगा, इसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा. इम्प्लाइज दे 3 किसको डिवाइड करेगा, b माइनस ए को. इम्प्लाइज दे b r a. इम्प्लाइज दे b कोमा a किसको बिलोंग करेगा, r को. हमने क्या हम क्या लेके चले थे, a b बिलोंग्स टू r और हम कहाँ तक आ गए, b a बिलोंग्स टू r. इट मीन्स हमारा ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया. थर्ड हम देखेंगे ट्रांजिटिव. लेट ए बी ओ सी किसको बिलोंग करता है, जेड को बिलोंग करता है. इफ़ ए बी अगर आर को बिलोंग करे एंड बी सी अगर आर को बिलोंग करे, इम्प्लाइज दैट थ्री किसको डिवाइड करता है, ए माइनस बी को. एंड थ्री किसको डिवाइड करता है, बी माइनस सी को डिवाइड करता है. ए बी सी हमारे पास में यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स है. देन ए माइनस बी भी इंटीजर होगा, बी माइनस सी भी इंटीजर होगा. नाउ हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इफ अगर थ्री एक्स को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा एक्स है वो थ्री का मल्टीपल होगा. थ्री किसको डिवाइड कर रहा है, एक्स को. इट मीन्स थ्री डिवाइड कर रहा है सिक्स को, 12 को, 18 को, 21 को. और हम देखते हैं कि ये सारा ये जो x है वो 3 का ही मल्टीपल होता है, जहाँ पे k किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है. सिमिलरली यदि 3 अगर y को डिवाइड करता है, इम्प्लाइज दैट y किसका मल्टीपल होगा, 3 का ही मल्टीपल होगा, जहाँ पर m किसको बिलोंग करता है, z को. नाउ x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 3 टाइम्स ओ k प्लस m, जहाँ पे k प्लस m भी किसको बिलोंग करेगा, z को ही बिलोंग करेगा. क्योंकि k और m किसको बिलोंग करते हैं, z को. तो इनका एडिशन भी किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा. 3x को डिवाइड करता है, 3y को डिवाइड करता है, और x प्लस y हमने क्या देखा, 3 का ही मल्टीपल है. इट मीन्स यहाँ पर जो हम यहाँ समझ चुके हैं कि 3 अगर x को डिवाइड करता है, इट मीन्स x क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा. 3 अगर y को डिवाइड करता है, इट मीन्स y जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, जहाँ पे k और m किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को. देन x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 ऑफ k प्लस m. k और m अगर z को बिलोंग करते, इट मीन्स इनका एडिशन भी z को ही बिलोंग करेगा. इम्प्लाइज दैट 3 जो हो गया किसको डिवाइड करता है, x प्लस वाई को डिवाइड करता है. तो 3x को डिवाइड करता है, 3y को डिवाइड करता है, इम्प्लाइज दैट 3 उनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा. सिमिलरली हम यहाँ पर देख रहे हैं, a माइनस बी भी इंटीजर है, b माइनस सी भी इंटीजर है. 3 a माइनस बी को भी डिवाइड करता है एंड 3 b माइनस सी को भी डिवाइड करता है. इम्प्लाइज दैट 3 जो होगा इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा. तो 3 डिवाइड्स a माइनस के b प्लस b माइनस के c. इम्प्लाइज दैट 3 किसको डिवाइड करेगा, a माइनस सी को डिवाइड करेगा. इम्प्लाइज दैट a r c. इम्प्लाइज दैट a c किसको बिलोंग कर रहा है, r को. हम क्या लेके चले थे, ए बी आर को बिलोंग करता है एंड बी सी आर को बिलोंग करता है. और लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए सी आर को बिलोंग करता है. इट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक भी है. इट मीन्स ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही गया. नाउ हम चेक करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, या फिर वैसे आपके एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ज़्यादा डीपली है नहीं, बट आप इसको समझ सकते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू. हम चेक कर रहे हैं कि ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है अथवा नहीं है. एंटी सिमेट्रिक की हमने दो डेफिनेशन देखी थी. हम मोस्ट ऑफ अगर क्वेश्चंस अगर सोल्व करना चाहते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए अगर हम सेकंड वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप उसको इजीली ही सोल्व कर पाएंगे. लेट ए कोमा बी किसको बिलोंग करता है, जेड को बिलोंग करता है. एंड हमने क्या माना था कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है. इफ़ अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, ए बी हम क्या लेके चल रहे हैं, आर को बिलोंग करता है. अगर हम ये प्रूव कर दें, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, दोनों डिस्टिंक्ट नंबर है, ए बी आर को बिलोंग करता है बट बी ए आर को बिलोंग नहीं करना चाहिए, इन दैट कंडीशन ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा. इम्प्लाइज दैट ए बी आर को बिलोंग करता है, थ्री इम्प्लाइज दैट थ्री डिवाइड्स ए माइनस के बी, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट्स हैं. तो 3 अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है, इट मीन्स 3 इनके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा. इट मीन्स 3 किसको डिवाइड करता है, b माइनस ए को. इम्प्लाइज दैट b
आर ए हो गया। हम दोनों को डिस्टिंक्ट लेके चल रहे हैं, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, देन इम्प्लाइज डेट हमें क्या मिल गया, बी आर ए। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है, दोनों डिस्टिंक्ट हो, ए बी आर को बिलोंग करता हो बट बी ए आर को बिलोंग नहीं करना चाहिए। इन दैट कंडीशन ही हमारे पास में क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बट यहाँ पर ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। वो जो एग्जाम्पल अभी हमने पहले लिखा था, ये एग्जाम्पल एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नहीं, पोज कर। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है, लेट एस बी ए सेट, एस हमारे पास में क्या है, सेट है, और एस वन एस टू अप टू एस एन, ये हमारे पास में क्या है, इस सेट एस के नॉन एम्प्टी सबसेट्स है। ध्यान में रखना कौन से सबसेट्स है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स है। देन ये हमारे पास में इन सबसेट्स का एक कलेक्शन है। सबसेट्स का कलेक्शन पार्टीशन कब कहलाएगा, इस सेट का, यदि हमारे पास में दो कंडीशन फॉलो होती हो। फर्स्ट कंडीशन है ऐसा इंटरसेक्शन एस जे इक्वल्स टू क्या हो, फाइव हो, फोर ऑल आई कोमा जे इक्वल्स टू वन टू एन, और आई जो होगा वो जे के इक्वल नहीं होगा। दैट इज ऑल सबसेट्स आर क्या होंगे, ऑल सबसेट्स आर पेयरवाइज डिसजॉइंट होंगे। यहाँ पेयरवाइज डिसजॉइंट से क्या तात्पर्य है, पेयरवाइज से तात्पर्य होता है कि कोई भी दो सबसेट्स ले लीजिए, आप पेयर के रूप में ही लेंगे, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाइ ही आना चाहिए। सपोज यहाँ पे एस वन है, अब एस वन का यदि हम एस टू के साथ इंटरसेक्शन ले तो भी फाइ आना चाहिए, एस थ्री के साथ ले चाहे एस एन के साथ ले, इस एस वन का सभी के साथ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाइ आना चाहिए। सिमिलरली एस टू का भी इन सभी सबसेट्स के साथ में इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाइ आना चाहिए। तो यहाँ पर पेयरवाइज डिसजॉइंट से यही तात्पर्य है कि वो पेयर्स के रूप में क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इन सारे के सारे सबसेट्स का यूनियन ले, एस वन से लेके एस एन तक का अगर हम यूनियन ले, तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए, सेट एस ही मिलना चाहिए। तो ये सेट एस का क्या हो जाएगा, पार्टीशन ये वाला हो जाएगा। पार्टीशन है क्या सेट का, पार्टीशन एक तरीके से उसके नॉन एम्प्टी सबसेट्स का कलेक्शन ही है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट एस इक्वल्स टू ए बी और सी, हमारे पास में सेट क्या है, ए बी सी, जिसके अंदर तीन एलिमेंट हैं। अब इसके नॉन एम्प्टी सबसेट्स बनाने हैं हमने को, इसके नॉन एम्प्टी सबसेट्स क्या होंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए कोमा बी, बी कोमा सी और सी कोमा ए, ये इसके क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं। अब हम इनके पार्टीशन देखेंगे। पार्टीशन क्या है, सबसेट्स का ही कलेक्शन है। अगर मैंने फर्स्ट कलेक्शन के अंदर क्या लिया, इन तीनों सबसेट्स को ले लिया, ए बी और सी, हम देख रहे हैं कि पेयरवाइज डिसजॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाइ, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाइ और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाइ, और इन तीनों को यूनियन करने पर हमें वापस क्या मिल जाएगा, सेट एस मिल जाएगा। तो इसका पार्टीशन हो गया, किसी एक सेट के एक से ज़्यादा भी पार्टीशन हो सकते हैं। तो पी टू, हम नेक्स्ट पार्टीशन निकालते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ए ले लिया, अब ए के साथ में क्या लूँ कि उसका इंटरसेक्शन उस दूसरे सबसेट्स के साथ करने पर मुझे फाइ मिले। तो सिमिलर दिख रहा है ये हमें आसानी से कि अगर यहाँ पर हम बी सी ले लें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइ होगा और इन दोनों का यूनियन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, सेट एस मिल जाएगा। सिमिलरली पी थ्री के अंदर अगर हम यहाँ पर बी ले लें, बी के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, ए सी, ये पी थ्री हो गया, और पी फोर, पी फोर में अगर हम यहाँ पर सी ले लें, सी के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, ए कोमा बी, ये पी फोर हो गया, एंड पी फाइव। आप सोच रहे होंगे कि ए काम में आ गया, बी काम में आ गया, सी काम में आ गया, ये तीनों काम में आ गए, अब कौन सा बचा हुआ है। तो एक सेट हमारे पास में और भी बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा सबसेट बचा हुआ है। अगर हम इसका कलेक्शन लें पी फाइव के लिए, देन पी फाइव किसके इक्वल हो जाएगा, ए कोमा बी कोमा
सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, पूरा का पूरा सेट ही है। अब इस सबसेट के अलावा दूसरे सबसेट यहाँ पर है ही नहीं, तो हम इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करवाएंगे? देन हमारे पास में एक पार्टीशन पी फाइव खुद सेट भी हो जाता है। तो यहाँ पर इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? तीन एलिमेंट है। अपने को नंबर ऑफ पार्टीशन कितने मिले? पाँच मिले हैं। तो इसका फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ पार्टीशन निकालने का, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एलिमेंट। लेट एस बी ए सेट। एस हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक सेट है। उस सेट के ऊपर जो रिलेशन डिफाइंड है वो रिलेशन किस प्रकार का है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब हमारे पास में किसी भी सेट के ऊपर जो रिलेशन डिफाइंड है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उस सेट के एलिमेंट्स के हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल सकते हैं। देन लेट ए बिलोंग्स टू एस। हमारे पास में यहाँ पर ए कोई सा भी एलिमेंट है जो कि इस सेट एस को बिलोंग करता है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट अंडर द रिलेशन डिफाइंड ऑन एस। तो इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस जो क्लास होगी वो इस रिलेशन के अंदर जो कि एस के ऊपर डिफाइंड है उसको हम किस प्रकार डिनोट करते हैं? या तो बड़े कोष्टक के अंदर, या फिर क्लास ऑफ ए, या फिर इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट के वो एलिमेंट जो कि ए के साथ क्या हो? रिलेटेड हो। तो यहाँ पर इस ए के अंदर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? आएंगे तो सेट के ही एलिमेंट, लेकिन सेट के कौन से एलिमेंट आएंगे जो कि इस ए के साथ में रिलेटेड हो? हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ए हमने ले लिया जेड, देन ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस के बी इज इवन। ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी क्या होना चाहिए हमारे पास में? इवन होना चाहिए। या आप लोग खुद चेक करिएगा कि रिलेशन हमारा यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन है अथवा नहीं है। वैसे रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, बट इसको आप लोगों को चेक करना है पहले। अब हम यहाँ पे देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एलिमेंट। एलिमेंट किसके होंगे? जेड के होंगे। तो हमने जेड का वन एलिमेंट ले लिया, वन ले लिया। अब वन की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जेड के ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन किस प्रकार होंगे वो? वो खुद वन के साथ रिलेट होने चाहिए। देन x बिलोंग्स टू z, x r1 का क्या मतलब है यहाँ पर कि x प्लस वन जो है वो क्या है? इवन नंबर है। x प्लस वन क्या है? इवन नंबर है। हम देख रहे हैं यहाँ पर वन क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो ऑड के साथ हम क्या ऐड करें? ऑड नंबर ऐड करें या फिर इवन नंबर ऐड करें कि हमें उनका एडिशन क्या मिले? इवन नंबर मिले। हमें मालूम है कि दो ऑड नंबर्स को ऐड करने पर भी हमें इवन नंबर मिलता है, और दो इवन नंबर्स को ऐड करने पर भी हमें इवन नंबर मिलता है। बट यहाँ पर जो वन है वो ऑड नंबर है, इट मीन्स हमारे पास में जो एक्स होगा वो यहाँ पर क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1। अगर ओनली 2n लिखते तो 2n तो क्या होता है? इवन नंबर्स होते हैं, बट जैसे ही हमने इसके अंदर 1 ऐड कर दिया ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑड नंबर, जहाँ पे n किसको बिलोंग करता है? z को बिलोंग करता है। देन n की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 0 पुट करी तो x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। n की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 1 पुट करी देन 3 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर n की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे -1 पुट करी तो हमें -1 मिल जाएगा। इस प्रकार ऑड नंबर्स का हमें क्या मिल जाएगा? कलेक्शन मिल जाएगा। और वो ऑड नंबर कहाँ से आएंगे हमारे पास में? इस जेड समुच्चय इंटीजर में से ही आएंगे। ये हमारे पास में क्या हो गई? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट यह आप लोगों का होमवर्क है कि ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इवन। यह आपको चेक करना है कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है अथवा नहीं है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आप लोगों से आसानी से हो जाएगा, बस ट्रांजिटिव में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगाना है। आइडिया मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, बस आप लोग इसको सोल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस इक्विवेलेंस क्लास पर ही एक नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।